मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द प्रज्ञानम में। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्वांटम इफेक्ट पढ़ रहे हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। इसमें से आज सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके सामने रखे गए जाएंगे। एक रखा भी जा चुका बोर्ड पे, इसको तुरंत पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन भी शुरू कर देते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल है कैलकुलेट कॉम्प्टन शिफ्ट। कॉम्प्टन शिफ्ट निकालना है। कॉम्प्टन शिफ्ट क्या होता है? जो वेवलेंथ में चेंज होता है फोटॉन के, एक्सरे फोटॉन के, वही कहलाता है कॉम्प्टन शिफ्ट। डेल्टा लैम्डा क्या डी लैम्डा जो आप निकालते हो कॉम्प्टन स्कैटरिंग फार्मूला से, जो कि एच अपान एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, डेल्टा लैम्डा भी लिख सकते हो, डी लैम्डा भी लिख सकते हो। न्यूमेरिकल ये किसके बराबर होता है? ये होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा के। लैम्डा वेवलेंथ का फोटॉन इंसिडेंट होता है और लैम्डा डैश वेवलेंथ का फोटॉन स्कैटर्ड होता है। ठीक है, तो कॉम्प्टन शिफ्ट निकालना है और कहा गया इफ एक्सरेज ऑफ लैम्डा इक्वल टू वन एंगस्ट्रॉम। लैम्डा दिया हुआ है, अगर लैम्डा डैश पता होता तो इसे यहां से भी निकाल सकते थे और थीटा पता होगा तो यहां से निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कॉम्प्टन शिफ्ट इफ एक्सरेज ऑफ लैम्डा इक्वल टू वन एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए कार्बन ब्लॉक। कार्बन ब्लॉक से एक्सरे स्कैटर्ड होते हैं। करह द स्कैटर्ड रेडिएशन इज वेव्ड एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। ये जो इंसिडेंट बीम जा रही है, स्कैटर्ड फोटॉन, इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन ये हो गया, स्कैटर्ड फोटॉन ऐसे निकलेगा 90 डिग्री, यानी थीटा क्या है? थीटा हो गया 90 डिग्री। स्कैटर्ड फोटॉन आपके 90 डिग्री पे स्कैटर्ड हो रहा है, यानी थीटा दिया गया है। तो हम इस फार्मूले से कॉम्प्टन शिफ्ट निकालेंगे। और फिर कह रहा है कि देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन। अब फोटॉन गिरता है, अपने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देखता है, इलेक्ट्रॉन रिक्वायल होता है, फोटॉन स्कैटर्ड होता है। इस रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगा? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, यहां से निकलेगा। ठीक है, तो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी क्या है? एससी बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा इसका वेवलेंथ है और स्कैटर्ड फोटॉन का वेवलेंथ क्या है? लैम्डा डैश। तो उसकी एनर्जी हो जाएगी एससी अपॉन लैम्डा डैश। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुई? इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी माइनस स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी। लेकिन लैम्डा डैश हमको पता नहीं है, तो हम उसको यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा डेल्टा लैम्डा डी लैम्डा यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहां से? कॉम्प्टन स्कैटरिंग फार्मूला से। पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं न्यूमेरिकल में। गिवन लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, जो कि कितना है? वन एंगस्ट्रॉम है। एंगल थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, ये 90 डिग्री है। तो कॉम्प्टन स्कैटरिंग फार्मूला से हम लोग क्या निकाल लें? डेल्टा लैम्डा फ्रॉम कॉम्प्टन स्कैटरिंग फार्मूला, स्कैटरिंग फार्मूला कॉम्प्टन शिफ्ट क्या होगा? क्या फार्मूला है? डेल्टा लैम्डा या डी लैम्डा, जो आपकी आत्मा चिंगाड़े, जो आप लिखना चाहें, एच अपान एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा, ये आपका डेल्टा लैम्डा हो गया। और थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या है? 90 डिग्री। तो उस 90 डिग्री वैल्यू को पुट कर दें यहां, हमारा डेल्टा लैम्डा क्या हुआ? एच अपान एम नॉट सी वन माइनस कॉस 90। और कॉस 90 क्या है? जीरो। तो डेल्टा लैम्डा हुआ एच अपान एम नॉट सी वन माइनस जीरो, यानी एच अपान एम नॉट सी, इक्वेशन वन।
और एच अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, यहां रख के निकाल भी सकते हो लेकिन इन जनरल याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये कॉम्प्टन्स वेवलेंथ है। एच अपॉन एम नॉट सी क्या है? कॉम्प्टन्स वेवलेंथ। तो सिंस कॉम्प्टन्स वेवलेंथ क्या है, ये जो एच अपॉन एम नॉट सी, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट जो आप रखते हो 6.625 × 10⁻³⁴, एम नॉट रेस्ट मास है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये सारी वैल्यूज रखने के बाद जो वैल्यू आपकी आती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम, ये कॉम्प्टन्स वेवलेंथ है। तो देयरफॉर फ्रॉम वन डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, यही इतना हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा लैम्डा, कॉम्प्टन शिफ्ट आपका निकल आया, पहला पार्ट हो गया। अब निकालनी है काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी के लैम्डा डैश भी पता होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, फोटॉन इंसिडेंट हुआ, अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया, फिर फोटॉन स्कैटर्ड हो गया, तो कितनी एनर्जी दिया, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी माइनस स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी। तो लैम्डा डैश हमको पता होना चाहिए, सिंस डेल्टा लैम्डा क्या है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, लैम्डा डैश क्या हुआ, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, और लैम्डा क्या है आपका, वन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा डैश हो गया आपका क्या, वन प्लस डेल्टा लैम्डा क्या है 0.0243, यानी ये हो गया 1.0243 एंगस्ट्रॉम। ये इक्वेशन थ्री, ठीक है। तो अब एनर्जी हम निकाल सकते हैं आराम से, किसकी, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन। इधर का नोट हो गया होगा, क्या बताएंगे, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, ये ई क्या हो गया, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन माइनस क्या, माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन। ओके, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन क्या है, एस सी बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ है, और स्कैटर्ड क्या है, एस सी अपॉन लैम्डा डैश, एस सी तो कॉमन हो गया, एस सी कॉमन हो गया, तो आप क्या लिखोगे, एस सी कॉमन है, यहां वन अपान लेमडा माइनस वन अपान लेमडा डैश, ये वैल्यूज वैसे रखे कैलसी में आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा और मॉडिफाई करें हम, तो एस सी कॉमन है, एलसीएम हुआ लेमडा लेमडा डैश,
यहां लैम्डा डैश आएगा, यहां लैम्डा आएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच सी, इट इज डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश, सिंस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या है, डेल्टा लैम्डा, कॉम्प्टन्स शिफ्ट, सब कुछ तो वैल्यूज है आपकी, लेकिन डेल्टा लैम्डा किस में निकला है, एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा किस में है जो आपने वैल्यू पुट किया, एंगस्ट्रॉम में, यहाँ एनर्जी जो है, अब आप एच की वैल्यू पुट करोगे तो जूल सेकंड में, सी मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो इसको भी मीटर बनाना पड़ेगा, एक ही तरह की यूनिट आप यूज करेंगे, ठीक है, अगर ये आपकी एमकेएस में है तो भी मीटर बनाना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा और तभी एनर्जी जूल में आएगी। तो एच की वैल्यू क्या आपने पुट किया, 6.625 × 10⁻³⁴, ये जूल सेकंड है, इट इज जूल सेकंड। सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इनटू डेल्टा लैम्डा क्या है, ये इतना, कॉम्प्टन शिफ्ट के बराबर 0.0243 एंगस्ट्रॉम था, जो 10⁻¹० अपॉन लैम्डा, लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखोगे, 10⁻¹० और लैम्डा डैश मतलब ये इतना, इंटू 1.0243 एंगस्ट्रॉम में है, तो 10⁻¹ कर देंगे, एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये मीटर में है, नीचे 2 मीटर है, 1 मीटर एक मीटर एक, तो 1 मीटर कट जाएगा, नीचे मीटर बचेगा, इससे कैंसिल, यहाँ सेकंड है, पर सेकंड, सेकंड से कैंसिल, आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, और जो आता है 4.72 × 10⁻¹ जूल, ये वैल्यू आती है एनर्जी की, 4.72 × 10⁻¹ जूल, और चूंकि ये जूल में वैल्यूज कम है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल को कैसे चेंज करोगे आप, बस कुछ नहीं करना है, चार्ज से डिवाइड करना, 1.6 × 10⁻¹⁹, इससे डिवाइड कर दिया, चार्ज से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये जूल आपका चेंज हुआ किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये लगभग आया 295 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। वैसे 16 × 3 = 48 होता है, 48 से कम है तो 2.9 है ना, उस टाइप का आएगा, तो 295 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है आज का, और अब एक मिक्स वेज टाइप का न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं, इसको नोट करिए, कुछ सेकंड का ब्रेक है। मिक्स वेज टाइप का न्यूमेरिकल मीन्स जिसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो, इसके पहले जो आपने पढ़ा है डी ब्रॉग्ली कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉम्प्टन्स इफेक्ट, उसका कॉन्सेप्ट, दोनों ही यूज है इसमें। तो इधर का मैं रफ कर रहा हूं और न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, चलिए फेस न्यूमेरिकल, आपका अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, शो दैट डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, एन इलेक्ट्रॉन
मूविंग विद वेलोसिटी 0.707 0.707 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम The velocity of light in vacuum is equal to 'H' = Compton's wavelength. अब सोल्यूशन हम लोग करते हैं, पहले रफ कर लो, फिर तब तक आप क्वेश्चन लिखिए और पढ़िए और ट्राई करिए कि कैसे करेंगे। तो चला जाए अब सोल्यूशन पे। हमने कहा पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तो लिख पाएंगे। सो दैट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ हाफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है उसका डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकाला ही जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रो पार्टिकल है और माइक्रो पार्टिकल का वेव और पार्टिकल दोनों ही नेचर होता है, यानी माइक्रो पार्टिकल के साथ मैटर वेव लगी होती है तो उसका मैटर वेव का वेवलेंथ होगा जो क्या कहलाएगा, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। और तभी होता है जब माइक्रो पार्टिकल मोशन में होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मोशन में भी है और कितना है, मूविंग विद वेलोसिटी 0.707 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी का 0.707 टाइम्स है, इट इज 707 टाइम्स ऑफ सी इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, सी। और ये इतने वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके साथ मैटर वेव लगी हुई है, उस वेव का वेवलेंथ है जो क्या कहलाएगा, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, और ये डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ किसके इक्वल होगा, कॉम्प्टन्स वेवलेंथ के। कॉम्प्टन्स वेवलेंथ क्या होता है, एच अपान एम नॉट सी। तो चूंकि ये वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक हो गई, लाइट के ऑर्डर में हो गई, लाइट के रेंज में हो गई, तो यहां हम रिलेटिविस्टिक अप्रोच ले चलेंगे, यानी क्या यूज करेंगे, मास वेरिएशन फार्मूला, वहीं से हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे। अच्छा 0.707 क्या है, 0.707 एक्चुअली है 1/√2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/√2 ऑफ सी, यानी वी हो गया c/√2। सिंस डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होता क्या है, सिंस डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ये लैम्डा क्या है, इट इज एच अपान एम बी, ये इक्वेशन मान लो 1 था, ये इक्वेशन 2। अब यहां बताएंगे एज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, क्योंकि लाइट के ऑर्डर में है और लाइट के ऑर्डर में जो भी वेलोसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, मास वेरिएशन फार्मूला, जो हमने आपको नंबर ऑफ टाइम्स बताया है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद
रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी वी यूज मास वेरिएशन फार्मूला। और क्या है मास वेरिएशन फार्मूला? ये किसी से छुपा नहीं है, आपका मास वेरिएशन फार्मूला है m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज योर मास वेरिएशन फार्मूला। अब m की इस वैल्यू को उठाएंगे और सम्मान पूर्वक यहां रख देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यूजिंग थ्री इंटू आपका लेमडा क्या हुआ एच अपान, एम की जगह पे क्या लिखोगे एम नॉट अपान, अपान लिखोगे इसको तो ये ऊपर चला जाएगा बस। तो ये आपका डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ हो गया, जहां पर वेलोसिटी आपको वी दी हुई है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यूजिंग 1 in 4 लैम्डा की वैल्यू क्या हुई एच रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, मतलब सी बाई रूट 2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट, और वी अब की जगह आप क्या रखोगे सी अपॉन रूट 2। सॉल्व करते हैं, एच रूट पहले सॉल्व किया जाए, 1 माइनस ये सी स्क्वायर हुआ और नीचे रूट 2 हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हुआ कैंसिल 1/2 बचेगा, और यहां पर हो गया एम नॉट सी अपान रूट 2। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2 ही बचेगा, एच इंटू रूट में 1/2 बचेगा या 1/√2 ही बचेगा, और यहां क्या लिख सकते हो एम नॉट सी 1/√2, ये दोनों कैंसिल हो गए 1/√2 1/√2। देयरफॉर लैम्डा क्या हुआ एच अपान एम नॉट सी, ये आपका डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ है। और यही तो क्या होता है कॉम्प्टन्स वेवलेंथ भी तो होता है, यही होता ना, तो निकल आया, बधाई हो, मनवांछित फल आपको प्राप्त हो गया कि जो आपका डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ है वो क्या है कॉम्प्टन्स इफेक्ट के बराबर है। तो क्या बताओगे कि सिंस कॉम्प्टन्स वेवलेंथ लैम्डा सी भी क्या होता है एच अपान एम नॉट सी ऐसा होता है, ये क्वेश्चन 6। तो कंपेयरिंग 5 and 6 जो डी ब्रॉग्लीज वेवलेंथ है कितने वेलोसिटी पे वो कॉम्प्टन्स वेवलेंथ के इक्वल होगा। डी ब्रॉग्लीज वेवलेंथ जो कि लैम्डा है इट विल बी इक्वल टू कॉम्प्टन्स वेवलेंथ लैम्डा डैश या लैम्डा प्राइम, ओके। यह प्रूफ भी करना था, यह प्रूफ हो गया, बधाई हो। और अब लेक्चर बहुत बड़ा ना हो इसलिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हुए
खास खास ऐसा नहीं समाप्त करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लिखने के साथ इसको जल्दी नोट करें, थोड़ा टाइम देते हैं आपको। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्या है क्वेश्चन? फॉर विच एंगल ऑफ स्कैटरिंग द कॉम्प्टन शिफ्ट विल बी हाफ ऑफ कॉम्प्टन वेवलेंथ। दो कौड़ी का क्वेश्चन है। फॉर विच एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और विच एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कितने एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे क्या होगा, द कॉम्प्टन शिफ्ट विल बी हाफ ऑफ कॉम्प्टन वेवलेंथ, द कॉम्प्टन शिफ्ट विल बी हाफ, एच एल एफ, हाफ ऑफ कॉम्प्टन्स वेवलेंथ। सोल्यूशन, क्वेश्चन नोट करें। बहुत आसान क्वेश्चन, दो लाइन का क्वेश्चन, कहा कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, थीटा क्या होगा, जिस पर कॉम्प्टन शिफ्ट क्या होता है, डी लैम्डा या डेल्टा लैम्डा, वो कॉम्प्टन वेवलेंथ एच अपान एम नॉट सी के हाफ होगा। डेल्टा लैम्डा इज 1/2 ऑफ एच अपान एम नॉट सी। तो गिवन क्या दिया गया है कि जो कॉम्पटेंस शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा, इट इज हाफ ऑफ किसके, कॉम्पटेंस वेवलेंथ विच इज एच अपान एम नॉट सी। तो डेल्टा लैम्डा जो है 1/2 टाइम्स ऑफ एच अपान एम नॉट सी, ये दिया गया है आपके क्वेश्चन में। तो थीटा पूछ रहा है, और थीटा किस में आता है, थीटा आता है आपके कॉम्प्टन स्कैटरिंग फार्मूले में। तो फ्रॉम कॉम्प्टन स्कैटरिंग फार्मूला, फ्रॉम कॉम्प्टन स्कैटरिंग फार्मूला, डेल्टा लैम्डा क्या हुआ, इट इज एच अपान एम नॉट सी 1 cos θ। और यहां पर डेल्टा लैम्डा की वैल्यू यहां रखी हुई है, तो पुट कर दो डेल्टा लैम्डा, हम क्या लिख सकते हो, इट इज 1/2 ऑफ एच अपान एम नॉट सी, दिस इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 cos θ। ये वैल्यू कहां से पुट किया आपने, तो आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट किया, एच अपान एम नॉट सी कैंसिल हो गया, यहां 1/2 1 cos θ, कॉस थीटा इधर आया प्लस, 1/2 इधर गया माइनस, तो कॉस थीटा हुआ 1 - 1/2 यानी 1/2, और कॉस में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो सीधी सी बात है 60 डिग्री, यानी थीटा क्या हुआ 60 डिग्री हो गया, कि फोटॉन
60 डिग्री पे अगर स्कैटर्ड होता है, ऐसे फोटॉन आया एटम पे पड़ा और 60 डिग्री पे अगर वो स्कैटर्ड हो गया तो जो कॉम्प्टन शिफ्ट है वो कॉम्प्टन वेवलेंथ का हाफ होगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, आज यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं और फिर आगे हम लोग मिलते रहेंगे। ओके।